चलिए, अब कल की क्लास में आप लोगों को फ्रैक्शंस पर डिस्कस किया गया था, जिसमें जनरल डिस्कशन था हमारा कि फ्रैक्शन क्या होते हैं, है ना। फ्रैक्शन मतलब कि भिन्न, फ्रैक्शन यानी भिन्न। आज हमने परसेंटेज पढ़ना है, आपको पता ही होगा भिन्न क्या होते हैं। इसके अंदर मैंने आपको बताया था कि तीन तरह से भिन्न हमारी होती हैं। यह एक रिवीजन है आपका, पहले इसका स्टार्ट करेंगे आगे हम। पहला बताया था आपको प्रॉपर फ्रैक्शन होते हैं, ठीक है, जिसमें क्या होता है आपका हमेशा, जैसे आपका 2/5 है ना, 3/7 है, क्योंकि न्यूमरेटर इज ऑलवेज लेस देन डिनोमिनेटर, है ना, न्यूमरेटर इज ऑलवेज लेस देन डिनोमिनेटर। अंश जो है वो हर से हमेशा छोटा होता है, आप देख रहे होंगे अंश छोटा है हर से, है ना। क्यों होता है ये मैं कल आपको बता चुका हूँ, ये मैं दोबारा नहीं बताऊंगा। फिर है इम्प्रॉपर, अभी इम्प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होते हैं, उल्टा कर लीजिए इसको आप प्रॉपर को, प्रॉपर का अपोजिट होता है इम्प्रॉपर, तो 5/2, 7/3, ठीक है। यहाँ पर आप देख रहे हैं कि डिनोमिनेटर जो है वो न्यूमरेटर से छोटा हो गया है, तो ये हो गया इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। और फिर बताया था आपको मैंने मिक्स फ्रैक्शन, जो कि सॉल्यूशन होता है किसका, इम्प्रॉपर का, ठीक है। जैसे कि यहाँ पर 2/4, 1/2, 3/6, 1/3 एंड ऑल, ठीक है। यहाँ पर ये जो है ये आपका सॉल्यूशन ऑफ इम्प्रॉपर फ्रैक्शन कह सकते हैं इसको आप। सॉल्यूशन मतलब कि स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना उसको, बस हो गया। ये कुछ बताया था, इसके बाद मैंने आपको बताया था लाइक एंड अनलाइक फ्रैक्शंस, ठीक है। लाइक फ्रैक्शंस क्या होते हैं, वेयर डिनोमिनेटर आर सेम, ठीक है, जैसे 2/5, 3/5, 12/5। तो आप देख रहे हैं इसमें कि डिनोमिनेटर क्या है, 5/5/5, तो ये लाइक फ्रैक्शंस हो गए। और अनलाइक फ्रैक्शंस आर वेयर डिनोमिनेटर आर नॉट सेम या इक्वल, जो कह लीजिए आप, जैसे 2/5, 3/6, 1/2। आप देख रहे हैं कि यहाँ पर डिनोमिनेटर 5 है, यहाँ 6 और यहाँ 2 है, तीनों में अलग है, तो इसको बोल देंगे हम क्या, अनलाइक फ्रैक्शंस। देन आफ्टर हमने डिस्कस किया था कि एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ लाइक फ्रैक्शंस, जिसमें आपको बताया था कि जब आपको ये ऐड करना हो 2/5 एंड 3/5 को, तो आप कुछ नहीं करते हैं, आप 5 आपका कॉमन है तो 2+3 कर लेते हैं, तो आपका ये हो जाता है 5/5 एंड ऑल। अनलाइक फ्रैक्शन में जब आप करते हैं, तो जैसे 2/5 + आपने 3/6 किया, तो आप करते हैं एलसीएम फाइंड करते हैं। एलसीएम फाइंड करना क्योंकि आप लोगों को आता ही था, तो ज़्यादा मुझे इस पर मेहनत करने की आवश्यकता नहीं है, तो एलसीएम फाइंड करके आप फिर उसको देन सॉल्व करते हैं। यहाँ तक हमारा कल हुआ था, इसके आगे हम आज करेंगे। क्लियर हो गया ना, या तो कोई इशू तो नहीं किसी को? स्मृति मैम, सुमन मैम और रेणु मैम, किसी का भी क्वेश्चन अगर यहाँ पर है, हाँ कोई क्वेश्चन अगर आपका है यहाँ तक तो पूछ लीजिए, फिर मैं आगे बढ़ता हूँ। ऐसा नहीं होना चाहिए कि मैं आगे बढ़ गया और आपका क्वेश्चन कुछ हो नहीं पा रहा है ना। चलिए, आज हम डिस्कस करते हैं परसेंटेज पर। और आज मैं कुछ आपको क्वेश्चंस भी कराऊंगा इसके। परसेंटेज को हम रिप्रेजेंट करते हैं इस साइन से, देखा ही होगा आपने ये साइन, है ना, जैसे आप बोलते हैं कितना, क्योंकि परसेंटेज तो आपने देखी होती क्या, जब आप कोई भी परचेजिंग करते हैं तो उसमें आपको डिस्काउंट मिलता है, 10% डिस्काउंट, 12% डिस्काउंट, तो ये तो नजर ज्यादा रहती है हम लोगों की, है ना, 25% बोल दिया आपने, ठीक है। ये है आपका परसेंटेज, जहां पर परसेंट, पर मतलब 1/100, मतलब 100, सेंट मतलब क्या होता है, 100 होता है आपका, है ना, हिंदी में इसको बोलते हैं क्या, प्रतिशत, प्रति शत, शत मतलब क्या होता है, मान लीजिए 100 होता है, तो आपको पता ही होगा। तो परसेंटेज का जो ये साइन होता है, इसको अगर आप रिमूव करते हैं तो आप लिखते हैं 1/100। तो परसेंटेज के साइन का मतलब होता है परसेंट, प्रतिशत, ठीक है, ऐसे करके। तो इट मीन्स जब ये 10% है, तो इसको आप लिखेंगे 10 × 1/100, क्योंकि ये परसेंट है ना साथ में। ऐसे ही जब ये 25% लिखेंगे आप 25 × 1/100। इज इट क्लियर?
छोटी सी बात है, जैसे आप सभी लोगों को आती है मुझे पता है, लेकिन फिर से वही बात कि बेसिक्स डिस्कस करना जरूरी इसलिए हो जाता है कि अगर नहीं आती होगी किसी भी एक को तो फिर उसको आगे समझ में नहीं आएगा, ठीक है? तो इसलिए मैं थोड़ा सा डिस्कस आपसे डिटेल में कर लेता हूँ। जिनको आती है वो थोड़ा सा पेशेंस बना के रखें, और जिन्हें नहीं आती है तो सीखने की कोशिश करें, ठीक है? इतना आप लोगों को अपनी तरफ से करना पड़ेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं हम। और दूसरी बात यह है, देखो आपको ये भी याद रखना है कि आप किस लेवल से पढ़ रहे हैं। ये जो हम अभी मैथमेटिक्स पढ़ रहे हैं ये जनरल मैथमेटिक्स है, इसका संबंध किसी प्रकार से किसी भी परीक्षा से अभी तो नहीं है। अभी जो इसका रिलेशन है वो सिर्फ ये है कि आप लोगों को सीखना है कि बेसिक्स क्या होते हैं मैथ्स के। उसके बाद फिर अब ये बेसिक्स जो है ये हर किसी के काम आते हैं। अगर आप एसएससी की प्रिपरेशन कर रहे हैं तब भी आपको हेल्प करेंगे, अगर आप बैंकिंग की प्रिपरेशन कर रहे हैं तब भी हेल्प करेंगे, अगर आप जैसे यूजीसी नेट पेपर वन की प्रिपरेशन कर रहे हैं फिलहाल तो उसमें तो आपके ये काम के हैं ही, है ना? लेकिन इससे भी इम्पोर्टेंट ये है बींग अ मदर, अगर आप अपने बच्चे को मैथ्स पढ़ा रहे हैं तो वहां पर आपको ये बहुत ज्यादा हेल्प कर जाएंगे, ठीक है? तो इसके लिए आप थोड़ा सा अच्छे से इसको सीखिएगा। क्लियर हो गया? चलिए अब मैं थोड़ा सा एक जनरल क्वेश्चन कर लेते हैं, क्वेश्चन के बाद फिर हम आगे बढ़ेंगे। एक क्वेश्चन है आपके लिए, लिखिएगा आप लोग। क्वेश्चन की फॉर्म में लिखिएगा इसको, हाँ, क्योंकि आज हमने क्वेश्चंस करने हैं बहुत सारे, कल हम खाली जनरल डिस्कस कर चुके हैं। देखिए, इवेल्युएट ट्वेंटी परसेंट ऑफ 50 प्लस 40% ऑफ 120। सॉल्व करिए इसको। 20% ऑफ 50 एंड 40% ऑफ 20, इसे सॉल्व कर लीजिए। ठीक है, तो चलिए करते हैं सॉल्व उसको आगे। सर 58। वेरी गुड। तो बेसिक्स से करते हैं इसको हम, 20 × 1/100। अब जी ऑफ का जो साइन है इसका मतलब होता है मल्टीप्लाई, ठीक है? तो आप मल्टीप्लाई का साइन लगाएंगे और देन लिखेंगे 50, ठीक है? याद रखना है आपको, ये पढ़ते ना बॉड मास, BODMAS। तो यहाँ पर बी फॉर तो ब्रैकेट होता है, और ब्रैकेट बहुत सारे होते हैं, वो अभी डिस्कस करेंगे आगे क्लास, जब हमारी सिंप्लीफिकेशन की आएगी, जब हम सिंप्लीफिकेशन पढ़ेंगे सरलीकरण पढ़ेंगे तब डिस्कस करूंगा आपसे। ये होता है ऑफ आपका, ऑफ मतलब क्या है, मल्टीप्लाई, इसको मतलब मल्टीप्लाई समझ लीजिए इसको बस जनरली आप, ठीक है? +40 × 1/100 × 120। अब इसको आप सॉल्व करेंगे, मैं क्योंकि आपको आता है लेकिन मैं फिर भी बेसिक बता रहा हूँ। देखो 0 से 0 कैंसिल हो गया आपका, इस 0 से ये 0 कैंसिल, तो बचा आपका 2 × 5 प्लस, है ना? सेम यहाँ पर करेंगे हम, 0 से 0 कैंसिल, ये 0 से ये 0 कैंसिल, अब बचा आपका 4 × 12। तो 5 × 2 = 10 प्लस 4 × 12 = 12, 4 = 48। तो आंसर आ गया आपका क्या, 58। इस तरीके से इसको हम कर सकते हैं, सिंपल तरीका, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बस आपको पता होना चाहिए कि कहाँ पर किस टर्म को हम किस रूप में यूज कर सकते हैं मैथमेटिकल कैलकुलेशन में। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखेंगे आप लोग। देखिए क्वेश्चन, फाइव इज व्हाट परसेंट ऑफ 10। क्वेश्चन आपके लिए है, फाइव इज व्हाट परसेंट ऑफ 10, फाइव इज व्हाट परसेंट ऑफ 10। हिंदी में लिखिए इसको आप, 5 10 का कितना प्रतिशत है, 5, 10 का
कितना प्रतिशत है, क्वेश्चन मार्क, फटाफट कीजिएगा जल्दी जल्दी। 50% यस सर, 50% ठीक है। सुमन मैम आपको आया? ठीक यस सर। है, तो 5 इज मतलब इक्वल टू, ठीक है, व्हाट परसेंट मतलब कि एक्स परसेंट, व्हाट मतलब हमको पता ही नहीं है, है ना, ऑफ 10। इसको इस तरह से करेंगे हम, 5 इज मतलब इज इक्वल टू, ये मैं बता रहा हूँ आपको लैंग्वेज को हम कैसे मैथमेटिकल ऑपरेशन में चेंज करते हैं। 5 इज मतलब इक्वल टू व्हाट मतलब x वेरिएबल ले लिया आपने, को पता ही नहीं क्या है, आपने बोला चलो x परसेंट है, x परसेंट ऑफ 10, तो यहाँ पर x तो एज इट इज रहेगा आपका, है ना, परसेंटेज मतलब होता है 1/100 और ऑफ मतलब होता है मल्टीप्लाई, बताया थोड़ी देर पहले आपको, तो 0 से 0 कैंसिल हो गया आपका, इज इक्वल टू 5 है। इस 10 को यहाँ ले जाओ आप अपोजिट साइड, ठीक है ना, क्रॉस मल्टीप्लाई बोलते हैं इसको हम, इंटू 10 इज इक्वल टू x, तो हियर x इज इक्वल टू 50% या 50 ओनली, ठीक है, इस तरीके से आंसर आएगा, है ना, आई होप आपने ऐसे ही किया होगा इसको। अब बताइएगा नेक्स्ट क्वेश्चन में, क्वेश्चन ऐसा तो नहीं लग रहा आपको बहुत इजी, देखो इजी तो होंगे होंगे कि हमको इजी तो वही चल रहा ना, फिर से बात वही होती है, फिर हम पढ़ कर रहे हैं टीचिंग, तो सिंपल टू कॉम्प्लेक्स, ठीक है, अब क्योंकि जो क्वेश्चन आपको बहुत इजीली आ जाएंगे उसको मैं रिपीट नहीं करूंगा, है ना, उसको हम आगे कंटिन्यू कर देंगे, नेक्स्ट टॉपिक ले आएंगे उसका हम थोड़ा सा। अब लिखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आप, व्हाट परसेंट ऑफ 50 इज 100, देखिए 50 का कितना प्रतिशत सौ होता है, पचास का कितना प्रतिशत सौ होता है, 200%, ठीक है। अब इसको भी हम सॉल्व वैसे ही करेंगे, बात वही है, फिर देखो मैथ टफ नहीं होती, अगर हम मैथ की लैंग्वेज को मैथमेटिकल जो सॉरी जनरल लैंग्वेज को हम जब मैथमेटिकल ऑपरेशंस में रिप्रेजेंट करना सीख जाएं, तो व्हाट मतलब पता ही नहीं आपको, तो लिख दिया आपने एक्स परसेंट, फिर से वही कह रहा हूँ, व्हाट परसेंट मतलब एक्स परसेंट ऑफ 50 इज इक्वल टू 100, इज मतलब इक्वल टू, है ना, 100, तो एक्स इंटू 1/100 ऑफ का मतलब इंटू है, 50 इज इक्वल टू 100, तो ये होगा आपका, कैंसिल कर देते हैं इसको हम 0 से 0 को, तो एक्स ये 5 से 10 गया आपका 2 टाइम्स, है ना, x अपॉन 2 इज इक्वल टू 100, देन ये x इज इक्वल टू आपका 200 हो जाएगा, है ना, ये 2 इधर जाएगा, तो ये आ गया सुमन मैम, आ रहा है आपको? यस सर। हाँ कहीं आप ऐसा बोलोगे भैया इतना सारा, ये तो मेरे को आज से थोड़ी कब से आता है, नहीं नहीं क्या करे, स्टार्टिंग तो यहीं से करनी पड़ेगी ना, क्यों नहीं सर, ये आला आता नहीं था मुझे, अब आ गया आला, हाँ चलो अच्छी बात है।